आजमनगर प्रखंड स्थित आरटीपीएस काउंटर में नया राशन कार्ड बनवाने और राशन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन जमा करने को लेकर सुबह से ही काउंटर पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। काउंटर पर महिलाओं की मारामारी रहती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना ही किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही मास्क का इस्तेमाल होता है। वहीं राशन कार्ड बनवाने को लेकर भीड़ घटने का नाम नहीं ले रहा, जबकि एक काउंटर होने की वजह से राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने में लोगों को परेशानियां कई होती है, फिर भी काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए बुधवार को आजमनगर प्रशासन ने आवेदन जमा लेने के बाद भीड़ नियंत्रण करने के लिए काउंटर बंद कर दिया था। राशन कार्ड बनाने के लिए इतना मासूम बच्चा लेके क्या करेंगे, इतना धूप बाजार में भूखा प्यासा रह के हमको कार्ड नहीं मिलता है। बलो आए हैं कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड, यहाँ बोला जाता है कि बोले नहीं बनेगा, अपना अपना घर जाइए, पंचायत पंचायत बनेगा। मुखिया के पास कागज लेके जाते हैं तो मुखिया कहता है कि बोले हम नहीं करेंगे, ब्लॉक में जाए, तो ब्लॉक में आए इतना धूप बाजार में तो क्या काम होता है। देखिए सर, हम लोग पास इतना दूर से आते हैं, जिला हम लोग खरसोता पड़ता है घर, इतना दूर से बाल बच्चा छोड़ के आते हैं, यहाँ वीडियो साहब बोल रहा है कि अपना अपना घर जाओ, यहाँ काम नहीं होगा, राशन कार्ड बनवाने लिए आए हैं, ऐसे काम नहीं हो रहा यहाँ पे, ऐसे घूम के जाएंगे, पैसे उसे खर्चा करके आते हैं गरीब आदमी। हमको यही कहना है कि इस धूप में जिस तरह से हमारी माँ बहने ब्लॉक में यहाँ आके रात रहती है, और कई आदमी आने के क्रम में ऑटो पलट गया, सिकटिया बैरिया का उसका पैर हाथ टूट के हॉस्पिटल में भर्ती है, और जिस तरह से यहाँ भीड़ है, अप्रिय घटना घट सकता है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार घर घर राशन कार्ड बनवा रही है, सरकार खुद उसके घर पर जाके उससे आधार कार्ड लेता है, सारा पेन पेपर लेता है, उसी तरह से ये बिहार सरकार से मेरा आग्रह है, खास करके कटिहार के डीएम जो है, इससे बहुत उम्मीद है कटिहार वासी को, बिल्कुल युवा है और बहुत अच्छे डीएम साहब हैं, उससे हम गुजारिश करते हैं कि वो घर घर ये राशन कार्ड बनाने का काम करे। आजमनगर प्रखंड 28 पंचायतों वाला प्रखंड है। इस मौके पर जिला पार्षद सुभान टोपीवाला ने अनुमंडल पदाधिकारी तथा डीएम से काउंटर की संख्या में बढ़ोतरी और पंचायतवार आवेदन लेने की मांग की है। आपको बता दें कि आवेदन लेने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है, और जिस तरीके की भीड़ हो रही है उसके नियंत्रण को लेकर पुलिस बल का सहयोग भी लिया जा रहा है। जयप्रकाश भगत, टाइम्स न्यूज, आजमनगर।